आप सांसद निर्वाचित हो चुके हैं घोसी लोकसभा से, जनता से क्या कहेंगे? मैं इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय घोसी के मालिकों को, घोसी की जनता को, सारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनों को देता हूं, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से जात का बंधन तोड़कर, धर्म का बंधन तोड़कर, पार्टी का बंधन तोड़कर अपने इस भाई और बेटे को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं नतमस्तक हूँ उन तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के सामने भी जो बूथ लेवल से लेके और ऊपरी स्तर तक, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को छोटा समझता है कभी बड़ा नेता बन ही नहीं सकता। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं घोसी के जनता को एक भरोसा देता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका सांसद और नेता नहीं, आपका भाई और बेटा बनकर सेवा करता रहूँगा। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे, अति व्यस्तता, या तो मैं मीटिंग में हूँ, या तो भीड़ में हूँ, या तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, और जीत के बाद भी जिन लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाया, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बस यही समझिएगा कि अगर आप भी मेरी जगह पर रहते तो उन परिस्थितियों में फ़ोन नहीं उठा पाते। फ़ोन नहीं उठा पाने का इस मतलब नहीं कि आप मेरे लिए सम्मान्य नहीं है, मेरे लिए प्रिय नहीं है। मैं पुनः ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ, ये ऐतिहासिक जीत है, घोसी में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी, पांचों विधानसभाओं की जीत कभी नहीं हुई थी, हम रसड़ा कभी नहीं जीते थे, पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है। तो जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे है, और मैं सजग को सतर्क रहूँगा कि जाने अनजाने भी मेरे कोई ऐसी गलती ना हो, मुझे आशीर्वाद देने वाले को ठेस पहुँचे। मैं बड़ी विनम्रता से घोसी की जनता को पुनः प्रणाम करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी एक घर के भाई और बेटा करता है उस तरह से मैं करूँगा, सजाऊँगा, संवारूँगा। नौजवान साथी मेरी प्राथमिकता रहेंगे, जो बेरोजगार हैं, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, ये बेहाल बुनकर, लाचार किसान और बेरोजगार नौजवान, इन तीनों की उम्मीदें मुझसे लगी है, इन तीनों का क्षेत्र है ये। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तीनों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। अभी तो शुरुआत है, जिन भी बातों को मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, वादे किए, वो चुनावी वादे नहीं थे, जुमले नहीं थे, दिल से निकली हुई बात थी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। और जो लोग कड़वी भाषा में बात करते रहे उनको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, और जब घोसी की जनता जवाब दे चुकी हो तो उसको वही पूर्ण विराम लगाना चाहूँगा। आप सबको मेरा प्रणाम।